खबर शामिल करते हैं लोधरा से। हमारे एबीसी न्यूज के डिविजनल ब्यूरो चीफ साजिद इकबाल कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब सोहेल सफर चिट्ठा की हिदायत पर रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान बशारत नबी का दफ्तर एंटी करप्शन लोधरा में खुली कचहरी का इनेकाद। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन बशारत नबी ने खुली कचहरी में पेश होने वाले लोगों के मसाइल सुने और दरखास्तों को 7 दिन के अंदर मेरिट पर फैसला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। खुली कचहरी में महकमा रेवेन्यू, म्यूनिसिपल कमेटीज, पुलिस, महकमा सेहत और महकमा अनहार के खिलाफ दरखास्तें मौसूल हुई। डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान बशारत नबी ने कहा कि मेरिट पर फैसला करना अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब के विजन पर सख्ती से अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने झूठी दरखास्तें दी तो उनके खिलाफ भी 182 की कार्रवाई की जाएगी।